हेलो गाइस एंड वेलकम टू तेरा मेरा ट्यूसडे विद प्रतीक चौहान। एंड आज के तेरा मेरा ट्यूसडे में आई थॉट दैट एज वी ऑल नो कि जो 2022 है वो ख़त्म होना है, सो आई थॉट दैट एक छोटा सा प्रीकैप तो बनता है कि 2022 कैसा रहा एंड क्या क्या हुआ 2022 में। सो मेरा भी एक पूरा रिव्यू हो जाए एंड आप सबके साथ भी ये चीज़ शेयर हो जाए एंड देट वुड बी अ रियली गुड आइडिया फॉर दिस तेरा मेरा ट्यूसडे, जो लास्ट तेरा मेरा ट्यूसडे है इस ईयर का 2022 का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैन 2022 की बात करें, सो आई स्टार्टेड माई न्यू ईयर विथ भंडार दारा ट्रिप। सो इट वॉज लाइक स्मॉल ट्रैक जो मुंबई से आई थिंक 3 to 4 आवर्स दूर है एंड इट इज़ रियली ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ पर एक बहुत अच्छी लेक है एंड द व्यू इज़ अमेजिंग फ्रॉम देयर एंड द वेदर वॉज ऑल्सो गुड। सो वहाँ पे मैं गया था, न्यू ईयर ईव के लिए ही गया था। सो आई स्टार्टेड माई न्यू ईयर विथ दिस पर्टिकुलर ट्रिप विच इज़ वॉज लाइक आई थिंक 2-day ट्रिप, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी बट आई हैड फन। सो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। एंड और क्या क्या चीज़ें हुई जैन में, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। दिस वॉज द रियली गुड मोमेंट जहाँ पर वी वेंट टू सूरत फॉर अ रियली स्मॉल ट्रिप विथ माई बेस्ट फ्रेंड्स। सो द थिंग इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड की जो बहन है शी वॉज प्रेगनेंट, आई थिंक 3 या 4 months हो गए थे। सो शी वॉज प्रेगनेंट एंड इट इज़ लाइक उनके साथ अभी एक फैमिली रिलेशन हो गया। सो वी वेंट टू सूरत टू मीट हर, टू ग्रीट हर। सो इट वॉज लाइक स्मॉल ट्रिप विथ माई बेस्ट फ्रेंड्स एंड हम सूरत में गए थे। एंड आई नो इट्स नॉट लाइक सो फैसिनेटिंग थिंग बट सूरत में हमने बहुत ज्यादा मजा किया बिकॉज एज जाकिर खान सेज मजे किसी जगह से थोड़ी आते हैं, मजे तो लोगों से आते हैं। एंड लोग बहुत अच्छे थे हम लोग के साथ एंड दैट्स व्हाई वी हैड सो मच फन इन सूरत। देन इन फेब इट वॉज लाइक नॉर्मल ओनली, मैं देख रहा हूँ बट कुछ मिल नहीं रहा है ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देन आता है मार्च एंड मार्च में मच अवेटेड एंड बहुत दिनों से, बहुत हफ्तों से, बहुत महीनों से जो ट्रिप हम प्लान कर रहे थे वो ट्रिप फाइनली सक्सेसफुल हुई विच इज़ द गोवा ट्रिप। सो यस, मार्च में हम गए थे मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ गोवा एंड हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए। हमने बहुत सारी डेस्टिनेशंस देखी, एक विला बुक किया था एंड वहाँ पे हम लोग रह रहे थे एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी। आई थिंक वी वेर देयर इन गोवा फॉर आई थिंक 5 days में भी, यस 5 days के आसपास हम लोग गोवा में थे एंड इट वॉज अ रियली गुड ट्रिप। अप्रैल आता है एंड अप्रैल में सो एक छोटा सा इवेंट था ताज लैंड्स में एंड इट वॉज लाइक एन इवेंट जो SBI कार्ड एंड नेचर्स बास्केट के कोलैबोरेशन से था। सो दे आर जस्ट बेसिकली लॉन्चिंग देयर न्यू क्रेडिट कार्ड इन एसोसिएशन विथ नेचर्स बास्केट एंड ये एक कैंपेन थी एंड उस इवेंट में हम लोग गए थे एंड वी हैड अ रियली गुड टाइम ओवर बिकॉज द वाइब, द हॉस्पिटैलिटी एंड पीपल वेर अमेजिंग एंड वी हैड अ रियली गुड टाइम ओवर देयर। सो दैट्स वाई ये अप्रैल का ये वन ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट रहेगा हम लोग के लिए। देन गोइंग फॉरवर्ड मई में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं आई गेस। हाँ मई में एक चीज़ हुई दैट मई में 100K मेरे कंप्लीट हुए थे इंस्टाग्राम पे। सो अप्रैल में आई थिंक 40-45K थे एंड मई में अचानक से बहुत ही अच्छे से ग्रोथ आ गई एंड 100K कंप्लीट हो गए। बट नाउ 100K से आज डिसम्बर 2022 है, मई में 100K कंप्लीट हुए थे एंड डिसम्बर में इट इज़ जस्ट लाइक 120K। फॉलो कर लो यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। देन आता है जून। जून में this is one of the very good thing which happened in June 2020 which is मैंने first time flight experience किया and first time मैं flight में बैठा। There was an event in Bangalore जहाँ पे Unacademy के through एक event था, छोटा सा like networking event ही था। They have invited me and it was a really good event। वहाँ पे मैं I think 1 या फिर 2 दिन के लिए था and I got to meet many creators जो YouTube एंड Instagram क्रिएटर्स है, लिंक्डइन क्रिएटर्स से भी मैं मिला एंड इट वॉज अ गुड इवेंट एंड हाँ गौरव जी से भी मिला। सो या इट वॉज वर्थ इट। वो फर्स्ट फ्लाइट वाली फीलिंग जो होती है ना वो मैंने जून में एक्सपीरियंस की। दिस वॉज द हाईलाइट ऑफ जून। देन आता है जुलाई। जुलाई में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ हुई थी विच इज़ एज आई टोल्ड यू कि जैन में वी वेंट टू सूरत टू मीट माई बेस्ट फ्रेंड सिस्टर जो प्रेगनेंट थी 2 to 3 months आई गेस। सो शी फाइनली हैड अ बेबी बॉय इन जुलाई 2022। इट वॉज लाइक 17 जुलाई में मुझे याद है एंड मैं भूल नहीं सकता एंड इट वॉज अ रियली गुड एंड रियली अमेजिंग मोमेंट फॉर मी बिकॉज इट्स लाइक फर्स्ट टाइम आई वॉज सीइंग अ बेबी जो जिसे सिर्फ 1 या 2 घंटे हुए इस दुनिया में हुए एंड आई फेल्ट दैट फीलिंग, आई फेल्ट दैट हैप्पीनेस, दैट कैसा फील होता है, कैसा उसके आने से जो खुशियाँ थी लाइक उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, मैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड, सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे एंड इट वॉज अ रियली हैप्पी मोमेंट। सो वो डे एक बहुत ही अच्छा डे था। सो दिस वॉज अबाउट जुलाई 2022। देन आता है अगस्त। एंड अगस्त में देयर वाज नथिंग। हाँ, एक छोटा सा सेलिब्रेशन था जो हमारे रणवीर भैया की जो कंपनी है मॉन्की, तो उसका 5 ईयर सेलिब्रेशन था, मुंबई में था, दिल्ली में एक पब है वहाँ पे। सो देयर इन्वाइटेड मी एंड आई वेंट टू देयर, आई गॉट टू मीट मैनी क्रिएटर्स इंक्लूडिंग रणवीर। सो या इट वॉज अ क्वाइट हैपनिंग नाइट। देन आता है सितंबर, एंड सितंबर में वी वेंट टू नाशिक एंड इट वॉज लाइक 3 या 4 डेज, नहीं आई थिंक दो दिन के लिए हम लोग गए थे नाशिक में, एंड मज़ा आया था। मतलब एक छोटे से ट्रिप थी एंड हमने मज़े किए थे। एंड सितंबर में वी वेंट टू गूगल इवेंट एज वेल, जहाँ पे दो दिन का इवेंट था। फर्स्ट डे वॉज इन गूगल ऑफिस इटसेल्फ जो बीकेसी में, एंड वहाँ पे भी हमने बहुत सारे क्रिएटर्स को मिले जो बड़े बड़े क्रिएटर्स थे यूट्यूब शॉर्ट्स के, एंड उनको मिलने का मौका मिला। एंड देन द सेकेंड डे वॉज इन ताज इटसेल्फ, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इवेंट था यूट्यूब शॉर्ट्स के द्वारा, एंड वहाँ पे भी हमने बहुत सारे मजे किए थे एंड बहुत सारे क्रिएटर्स को मिले, एंड इट वॉज अ गुड डे। सो इट वॉज अ गुड 2 डेज एक्चुअली। सो यहाँ पे गूगल का इवेंट था जो सितंबर में हुआ था, एंड इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट। देन आता है अक्टूबर, जिसका स्टार्ट ही होता है 1 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आता है। सो बर्थडे से स्टार्ट हुआ था, उतनी कुछ बड़ी चीज़ें नहीं की थी बर्थडे में, इट वॉज लाइक नॉर्मल डे ओनली। वी वेंट टू रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने मजे किए, एंड द थिंग इज दैट जो अक्टूबर सितंबर एंड अक्टूबर के सितंबर एंड अक्टूबर स्टार्ट में नवरात्रि के डेज चल रहे थे, एंड एज यू गाइज नो दैट 2-3 सालों से नवरात्रि हो ही नहीं रही थी बिकॉज ऑफ कोविड जो भी फिर से आया। सो मास्क अप गाइज अगेन एंड प्रिकॉशंस लेते रहना, बट नवरात्रि फाइनली हो रही थी, एंड बीइंग अ गुजराती नवरात्रि के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, एंड वी हैड अ रियली गुड टाइम इन दिस नवरात्रि। बहुत ज़्यादा मजे किए, बहुत ज़्यादा गरबा खेला। सो या नवरात्रि बहुत अच्छी है, एंड दिस इज द गुड पार्ट ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर स्टार्ट एज वेल। नाउ आता है नवंबर, एंड नवंबर में भी कुछ खास हुआ नहीं था। जस्ट देयर वॉज अ रियली स्मॉल गेट टुगेदर नेटवर्किंग टाइप ऑफ इवेंट, वो एक छोटा सा इवेंट था, नॉट लाइक मैनी थिंग हैपेंड इन नवंबर। एंड देन आता है डिसम्बर गाइज, एंड डिसम्बर में इट वॉज द वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप टू दुबई जो मेरी हुई, जो हम लोग गए थे आई थिंक 8 दिनों के लिए, जहाँ पर 2 दिन 3rd December एंड 4th December वॉज देयर वॉज एन इवेंट वन बिलियन समिट जो नास डेली जो आपने चैनल देखा रहेगा उसके थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड इट वॉज अ रियली गुड इवेंट गाइज। बहुत सारे लोगों को मिले, बहुत सारे मजे किए, एंड वो इवेंट के बाद वी वेर जस्ट रोमिंग अराउंड इन दुबई, डिफरेंट जगहों पे गए, डिफरेंट लोगों को मिले, बहुत सारे क्रिएटर्स फ्रेंड्स थे, सारे क्रिएटर्स लोग गए थे, एंड इट वॉज अ ग्रेट टाइम, एंड इट वॉज द वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। सो इट शुड बी मेमोरेबल एंड इट वॉज मेमोरेबल। सो या दिसंबर का जो हाईलाइट था वो था दुबई इंटरनेशनल फॉर्म, एंड दैट्स इट। दिसंबर के लिए इतना काफ़ी है बिकॉज बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई। सो नाउ दिसंबर में और कुछ चीज़ें तो हुई नहीं। दिस वॉज माई 2022 गाइज। लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट आपका 2022 कैसा। आप सबको भी आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड आई विश दैट आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेस पाओ, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस पाओ, हेल्थ एंड वेल्थ वाइज भी आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा करो। एंड ऑन दैट नोट गाइज, दिस इज अबाउट तेरा मेरा ट्यूजडे, टुडेज तेरा मेरा ट्यूजडे। मिलते हैं कल YouTube शॉर्ट के साथ, फ्राइडे को लॉन्ग फॉर्म वीडियो के साथ, संडे को संडे स्पेशल सवाल के साथ, एंड इन बिटवीन YouTube शॉर्ट्स के साथ हम तो मिल ही रहे। सो सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड हाँ, अगर आपको अपडेटेड रहना है तो Instagram पे जरूर फॉलो करना। वहाँ पे अगर आपकी कोई कंप्लेंट्स या क्वेश्चन भी रह गए वो भी आप मुझे पूछ सकते हो, Instagram एंड Twitter दोनों पे। सो वहाँ पर जरूर आ जाना गाइज, एंड दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।